तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुलॉजिकल, वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, स्वागत है आपका यहाँ पे हमारे एमसीक्यू सीरीज क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर सेकंड, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो यहाँ पर गाइस हमारी चल रही है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की टर्म 1 की एमसीक्यू सीरीज, वो भी फुल रिविजन के साथ। तो गाइज, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि इस वीडियो के जो एमसीक्यूज हैं वो अगर आप टेस्ट सीरीज की फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं, जी हाँ गाइज, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इस एमसीक्यू सीरीज को पाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइज मैंने एक लिंक दी है एमसीक्यू सीरीज की, वहाँ पर जाके आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। रुकिए रुकिए, क्योंकि यहाँ पे हम इस वीडियो में वही एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आप उस टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन आपका फायदा ये होगा इस वीडियो को देखने का कि पहली बात तो यहाँ पे आपका जो पूरा चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो एमसीक्यूज आपको नीचे दिए गए हैं उसमें अगर आप टॉप स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपको अगली जो हमारी प्रीमियम मटेरियल है यानी प्रीमियम टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, और उसका नाम भी हमारे चैनल पर बाकायदा अनाउंस किया जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने का फायदा यही है गाइज, कि यहाँ पर आपको सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आने वाले हैं, और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस को, जैसे कि इस बार आपके एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन और अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब अगर हम बात करें जो नीचे इस वीडियो को देखने के बाद नीचे जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी, ऊपर आपको आई बटन पे आ गई होगी। जैसे कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं वैसे आपको यहाँ पर आईडी क्रिएट करनी है, इनरोल कर देना है और यहाँ पर आपको अपने टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर देने हैं। इसीलिए गाइज यहाँ पर हमने चैप्टर वाइज बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यू सीरीज आपके लिए तैयार की है, जो इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पर जल्दी से जाइएगा, इस वीडियो इस पूरे सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं उनको अटेम्प्ट कीजिएगा और टॉप स्टूडेंट्स में जरूर आइएगा। तो गाइज बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इस पूरे के पूरे गेम में, पूरे के पूरे यहाँ पर हमारे खेल में, तो हमारा खेल इस तरीके से शुरू होगा कि गाइज जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पर क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन रीड करते करते यहाँ पर आपको बीच में 2 सेकंड का या 3 सेकंड का गैप दिया जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मान लीजिए आप व्यूअर हैं तो अगर आप अभी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो जब तक मैं रीड करूंगा तो तब तक हो सकता है 2-3 सेकंड में गैप देने के बाद आप यहाँ पर सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ जाएं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर गाइज पहले रीड करूंगा, 2-3 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा ताकि एक बार दोबारा आप रीड कर लें या पोज करके रीड कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पर आंसर डिस्प्ले किया जाएगा और उस चीज को एकदम सिंपलेस्ट वे में शॉर्ट में डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन के एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे। तो कैसे लगा आपको ये? तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के इस गेम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्क्रीन पे है जिसको आप देख सकते हैं, पूछा गया आपसे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब, एक मिनट में जरा इंक चेंज कर लूँ, हाँ, तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी या मैं कहूँ जो सोवियत इकोनॉमी थी हमारी उसके बारे में गलत बताती है। जी हाँ, गलत बताती है, इसको फोकस करिएगा गाइज आप यहाँ पर। पहला यहाँ पर हमारा ऑप्शन है कि सोशलिज्म वॉज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, ठीक है भाई। स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, और लास्ट है एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है आपने अभी तक सोच लिया होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है गाइज पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम। कैसे? तो गाइज जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारी सोवियत इकोनॉमी थी यानी आप कह सकते हैं जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वहां पर क्या होता था कि सारे के सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थी वो सब यहाँ पर स्टेट कंट्रोल करता था यानी गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। और जैसे कि हमने यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है कि सोवियत इकोनॉमी को कैरेक्टराइज किया जाता है स्टेट कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपेंडेंस और नेचुरल रिसोर्सेज, शॉर्टेज पब्लिक ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्रियल एसेट, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नेग्लिजिबल एम्प्लॉयमेंट एंड हायर जॉब सिक्योरिटी। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर गवर्नमेंट सारी के सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कवर करती है यानी वो खुद कंट्रोल करती है, खुद ओन करती है। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर गवर्नमेंट सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी तो लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम कैसे मिल सकती है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर गाइज आपका सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिस इंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, इसमें से कौन सा
आउटकम नहीं था यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन का। यहाँ पे एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन के सामने, एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, बर्थ ऑफ सीटीएस, चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड वॉर, सॉरी ये बर्थ ऑफ सीआईएस है यानी कि आपके कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, वो मिसटाइप हो गया, क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है इन चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा है। ऊपर आप ध्यान से देखिएगा, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सा आउटकम नहीं था। मुझे उम्मीद है आपने यहाँ पर राइट आंसर सोच लिया होगा। बिल्कुल राइट आपने सोचा, आंसर नंबर डी यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट, आउटकम यहाँ पर ये था कि द फॉल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड खत्म हुआ था, यानी कुल मिला के जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो जो पीरियड यहाँ जो मार्क किया जाता है, जो पीरियड यहाँ पे मार्क किया जाता है, वो किया जाता है द एंड ऑफ मैनी कम्युनिस्ट रिजीम इन रिस्पॉन्स टू मास प्रोटेस्ट। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मिखाइल गोरबाचेव जो यहाँ पे हमारे लास्ट जो है कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने जब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, तो यहाँ पे बहुत सारे बीच में बहुत सारी कम्युनिस्ट रिजीम्स यहाँ पे यानी स्मॉल स्मॉल कंट्री जो कि यूएसएसआर की पार्ट थे, वो सब यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठाना शुरू कर दी। फिर उसके बाद यहाँ पर गाइस हुआ क्या कि कोल्ड वॉर खत्म हुई, उसके बाद यहाँ पर आर्म रेसेस वगैरह जो थी, यानी यहाँ पे जो दोनों साइड से यानी दोनों अलायंस जो यहाँ पर आर्म रेस खेल लेते, यानी कि हर एक अलायंस अपने डिफेंस सिस्टम मजबूत करने की रेस में लगा हुआ था, वो चीज खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन था इतने बड़े लेवल पर, वो खत्म हो गया था। जो पावर इक्वेशन थी, यानी जो पावर का पूरा बैलेंस था, जो मतलब आधी पावर इसके पास है, दो सुपर पावर थी, वो यहाँ पर यूनिपोलर वर्ल्ड में तब्दील हो गया। और उसी के साथ साथ जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, वो यहाँ पर जो है ऊपर आते हुए दिखी वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स और वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होते हुए दिखे थे हमें। लेकिन गाइज यहाँ पर हमें कहीं पे भी मिडल ईस्ट की क्राइसिस इससे रिलेटेड देखने को नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है, ये कोई भी अगर जिस बंदे ने भी यहाँ पर रीड किया होगा नॉर्मली एनसीईआरटी की बुक, या यहाँ पर हमारे लेक्चर्स भी सुने होंगे, एकदम आराम से वो भी इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेगा। तो गाइज यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मिडल ईस्ट क्राइसिस का इसका कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे पूछ रहा है कि विच वॉज द फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत रशिया। जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पर जब रशिया का यानी सॉरी यूएसएसआर का यहाँ पर जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो उस बीच में यहाँ पे बहुत सारी जो स्मॉलर कंट्रीज थी जो यहाँ पर वॉर्सो पैक्ट की या फिर हम कहें यूएसएसआर के पार्ट थी, उस बीच में बहुत सारी कंट्रीज जो है जिन्होंने शुरुआत की यहाँ पर यूएसएसआर से अलग होने की, और वहीं से फिर शुरुआत हुई जाहिर सी बात है डिसइंटीग्रेशन की। तो यहाँ पे पूछा यह गया है कि पहली कौन सी कंट्री थी जिसने यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंस को अनाउंस किया, डिक्लेयर किया कि भाई हम सोवियत रिपब्लिक से अलग होने जा रहे हैं। सोच लिया, चलिए हम आंसर डिस्प्ले करते हैं। तो आंसर इसका गाइस यहाँ पर लिथुआनिया। क्या है? लिथुआनिया, आंसर नंबर ए। मार्च 1990 में गाइस यहाँ पर लिथुआनिया पहली ऐसी कंट्री बन गई थी 15 सोवियत रिपब्लिक्स में, यानी यहाँ पर 15 सोवियत रिपब्लिक्स हालांकि धीरे धीरे करके शुरुआत में यहाँ पर अलग हुए थे, लेकिन उनमें से सबसे पहले जो कंट्री हुई थी वो आपको याद रखनी है कौन सी थी, लिथुआनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर गाइस इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा कि 15 सोवियत रिपब्लिक्स यहाँ पे मार्च 1990 में अलग हुआ था यूएसएसआर से, और उसमें सबसे पहले हुआ था लिथुआनिया। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर काफी फेमस है, आपने सुना होगा बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। बस नॉर्मली पूछा यह गया है कि ये किसके द्वारा खोजा गया था, यानी किसने इसे फाउंड किया था। बस आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है, व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव या फिर लियोनिड ब्रेजनेव। बताइए, दो सेकंड हो गया, चलिए हम यहाँ पर आंसर डिस्प्ले करते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है गाइज, आंसर नंबर ए, व्लादिमीर लेनिन। पुतिन नहीं, कई लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हो सकता है सीबीएसई जो यहाँ पर खेल खेल जाए और वो आपको क्या कहते थे यहाँ पे गाइज, जैसे लिखा हुआ है व्लादिमीर लेनिन और आपको यहाँ पे बी में दे दे व्लादिमीर पुतिन, तो कई लोग क्या करेंगे यहाँ पर खाली व्लादिमीर नाम पढ़ के बस जो है वो बी पे मार के आ जाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे यार ये क्या हुआ, हमारा तो आंसर सही था, इसमें नंबर कैसे कट गया। तो नंबर यही कटता है, तो इसीलिए आप जब भी यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ें अपने एग्जामिनेशन में, तो उसको पूरी तरीके से पढ़ें, सारी के सारी कंसंट्रेशन उसी में लगा दें, क्योंकि वो जो आपके एक आवर्स या आपको 90 मिनट जो मिलने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि नाम था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, ये दोनों जुड़ा हुआ है, व्लादिमीर लेनिन होगा तभी राइट आंसर लगाइएगा अगर पूछा जाएगा कि बोल्शेविक कम्युनिटी को किसने फाउंड किया था। तो गाइस यहाँ पर बोल्शेविक की बात करें तो इसका मतलब होता है मेजोरिटी, इसको इंग्लिश में एक तरीके से बोल सकते हैं, बोल्शेविस्ट भी बोलते हैं, जो कि एक रेडिकल फार लेफ्ट और रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट जो है उनकी आइडियोलॉजी के होते हैं, और ये फाउंड किया गया था व्लादिमीर लेनिन के द्वारा
तो यहाँ पर फिर दो ग्रुप में बट गए थे, एक था बोल्शेविक और दूसरा था मेंशेविक। ये जो है मार्क्सिस्ट रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी में ये जो डिवीजन था ग्रुप का वो हमें देखने को मिला था। अब ये क्या है, आरएसडीएलपी यानी मार्क्सिस्ट रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। तो गाइज ये एक रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको फॉर्म किया गया था 1898 में और इसकी जो सेकेंड पार्टी कांग्रेस थी वो 1903 में रखी गई थी। तो गाइज ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, जैसे मैंने अभी पॉइंट आउट किया आपको कि आपको छोटी छोटी चीजें यहाँ पर मार्क्स काट सकती हैं, तो इसलिए याद रखिएगा व्लादिमीर लेनिन। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पर पूछा गया है कि द मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक, यानी कि बाल्कन रीजन में जो सबसे भयानक खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो किस देश में हुआ है। आपसे पूछा गया है, पहला ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर बल्गेरिया, दूसरा है ग्रीस, तीसरा है यूगोस्लाविया और फोर्थ है मैसिडोनिया। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं एक बार, सोच लिया, चलिए आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया। जी हाँ, द मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट जो कि यहाँ पर गाइस हुआ था बाल्कन रिपब्लिक में वो था यूगोस्लाविया में। 1991 के बाद जो है यहाँ पर बहुत सारे प्रोविंसेस जैसे कि क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, इन लोगों ने सबने विद इन दिस नेशन अपनी अपनी जो है यहाँ पर छोटे छोटे इसी नेशंस के अंदर में जो एरिया थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर दी थी, जिसके बाद में यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला सीवियर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है बाल्कन रीजन में, तो आपको जवाब देना है यहाँ पे यूगोस्लाविया। चलिए बढ़ते हैं गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और हम खाली इसी पैटर्न के नहीं, अभी आने वाले क्वेश्चंस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी अलग अलग पैटर्न्स आपको दिखाने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है ये आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस टर्म 1 एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है, और जब ये आप चैप्टर खोलेंगे एनसीईआरटी में तो सबसे पहले यही आपको कंटेंट दे रखा है, किस बारे में, बर्लिन वॉल के बारे में। जी हाँ, बर्लिन वॉल पूछा गया है कि कब यहाँ पर गिराई गई थी यानी फॉल हुई थी। आपको खाली टाइम बताना है, जो कि हमने वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि आपको ये जरूर याद रखना है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में। तो आपके पास यहाँ पे टाइम दे रखा है नवंबर 1989, दिसंबर 1989, जनवरी 1990 या फेब 1990। आपने सोच लिया होगा, आंसर है इसका गाइज यहाँ पे नवंबर 1989। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ था 9 नवंबर 1989 को एग्जैक्टली, यानी कि 5 days आफ्टर अ हाफ मिलियन पीपल गैदर इन ईस्ट बर्लिन इन अ मास प्रोटेस्ट दैट द बर्लिन वॉल डिवाइडिंग कम्युनिस्ट ईस्ट जर्मनी फ्रॉम वेस्ट जर्मनी क्रम्बल। अब ये क्या है गाइज, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, तो मैं आपको समझा देता हूँ। उस टाइम पे यूरोप भी यहाँ पर डिवाइड था और उसी के साथ साथ यहाँ पे जर्मनी भी उसके बीच से ही डिवाइड था। तो यहाँ पर ईस्ट जर्मनी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे गाइज जो सोवियत अलायंस में थे यानी वॉर्सो पैक्ट में थे। अब यहाँ पे जो वेस्ट जर्मनी था वो यहाँ पे गाइज था नेटो अलायंस में यानी यूएसए की तरफ। इसी तरीके से यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी यही हाल था, यूरोप में जो ईस्ट साइड थे यानी वो सोवियत के साइड थे और जो वेस्ट वाले थे वो यहाँ पे गाइज थे यूएसए की तरफ। हालांकि ऐसा नहीं है कि जितने भी सारे के सारे वेस्टर्न नेशंस थे वो सब जो है यहाँ पर जो है यूएसए की तरफ हो गए, इसमें से कई नेशंस थे हमें जो हमें देखने को मिले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्यूबा हमें देखने को मिला जो कि यूएसए का बिल्कुल पड़ोसी था और वो वेस्टर्न भी था अगर देखा जाए मैप के नजरिए से, लेकिन वो यहाँ पर यूएसएसआर का सपोर्टर था। तो आप ऐसा बिल्कुल भी अगर ऑप्शन में अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से जो है यहाँ पर इनमें से कौन सा यूएसए अलायंस में है, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सारी की सारी तो वेस्टर्न कंट्रीज है, मैंने वर्ल्ड मैप में देखा था, तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि वेस्टर्न नेशन में सारे के सारे नेशंस यहाँ पर यूएसए की तरफ नहीं थे, कुछ नेशंस ऐसे थे जो क्रॉस थे, यानी कि अगर वो वेस्ट में है तो ईस्ट वाले अलायंस को फॉलो करते थे या वो ईस्ट में है तो वेस्ट वाले को करते थे, और ये कुछ ही थे यानी फ्यू थे। तो इसलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है। वैसे आप नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट अलायंस वेस्ट अलायंस के बारे में तो आपको ये डेफिनेशन बतानी है जो मैंने आपको बताई है। तो गाइज यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जहां पे पूछा गया आपसे कि इन विच ईयर गोरबचेव यानी मिखाइल गोरबचेव बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। आप सबको पता है कि यूएसएसआर के जब जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था मिखाइल गोरबचेव को, जिन्होंने बहुत सारे यहाँ पर मैजिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, हालांकि वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सके, वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं हो सके, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ऐड किया है अलग पैटर्न में। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन से ईयर में गोरबचेव को यानी मिखाइल गोरबचेव को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर का। आपको यहाँ पे सिर्फ ईयर बताना है, ईयर आपके सामने है 1989, 1990, 1987 या 1985। अभी तक आपने सोच लिया होगा कौन सा ऑप्शन आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद चलिए देखते हैं कि आपका आंसर कौन सा राइट है। आंसर है यहाँ पे गाइज राइट 1985।
1985। जी हाँ, तो यहाँ पर गाइज सोवियत लीडर जो थे लियोनिड ब्रिजनेव, उनकी डेथ के 3 साल के बाद यहाँ पर जो छोटे छोटे रिजीम्स चले थे, यानी कुछ लीडर्स थे लियोनिड के बाद, जैसे यूरी एंड्रोपोव, कॉन्स्टेनिन चेरनिको, पॉलिटब्यूरो, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर गोरबचेव आए। इन सब के रिजीम्स के बाद, यानी लगभग लगभग 3 साल लियोनिड के बाद, क्योंकि लियोनिड मेजर लीडर थे, उसके बाद मेजर लीडर कौन आया, गोरबचेव, यानी कि कुछ जो स्मॉल लीडर्स यानी स्मॉल पीरियड के लिए यहाँ पर आए थे, उनको फिर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर इलेक्ट किया गया, जिसको डिफैक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी माना जाता था 1985 में। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। आगे बढ़े हैं गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पर रशिया ने यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद जो यूएसएसआर की सीट थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, आप सबको पता है कि यहाँ पर यूएनएससी भी इसे कहा जाता है, और अगर पूरा बात करें तो यूनाइटेड नेशन में भी जब एक यहाँ पर पूरा जो ग्रुप था यूएसएसआर, जब वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो सवाल ये था कि कौन लेगा भाई अब यहाँ पर सक्सेसर, कौन बनेगा इसकी सीट इंटरनेशनल लेवल पर, यूएन में कौन अडॉप्ट करेगा, तो उसको यहाँ पर लिया था रशिया ने। और यही पूछा गया आपसे कि यहाँ पर जो रशिया था उसने कौन से टाइम पर इस सीट को एक्वायर किया था, लिया था, दिसंबर 1991 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है नवंबर 1989, तीसरा है दिसंबर 1990 और डी है अक्टूबर 1992। आपको बताना है इनमें से कब रशिया ने यूएसएसआर की सीट को यहाँ पर अडॉप्ट किया था, यानी उसको लिया था। अभी तक आपने सोच लिया होगा, चलिए आंसर को देखते हैं। आंसर है गाइस यहाँ पर आपका दिसंबर 1991। जाहिर सी बात है गाइस कि यहाँ पर 1989 तो हो नहीं सकता, 1990 भी नहीं हो सकता, 1992 बहुत आगे चला जाएगा। 1991 में यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हुआ था, और दिसंबर 1991 में फाइनली यहाँ पर जो रशिया था उसने यहाँ पर, जब यहाँ पर पूरे तरीके से खत्म हो गया था, तो यहाँ पर रशिया ने जो यूनाइटेड नेशन की जो सीट थी उसको ले लिया। और यही नहीं, जो यूएनएससी यानी कि जो यूएन के ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जहाँ पर 5 परमानेंट सीट्स थी, उसमें यूएसएसआर था, उस परमानेंट सीट को भी यहाँ पर रशिया ने एक्वायर कर लिया था। आपके एक्सप्लेनेशन में बता रखा है कि द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक वॉज अ चार्टर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड वन ऑफ 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉलोइंग द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन 1991, इट्स यूएन सीट वॉज ट्रांसफर्ड टू द रशियन फेडरेशन। ठीक है गाइस, तो आपको जरूर याद रखना है कि यहाँ पर दिसंबर 1991 में यूएसएसआर की जो सीट थी यूएन में, उसको यहाँ पर एक्वायर कर लिया था, यानी वहां पर उसकी सीट ट्रांसफर हो गई थी रशियन फेडरेशन को। अब बात करें गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट गिवन प्राइमेसी बाय द मेकर ऑफ द सोवियत सिस्टम, यानी कि यहाँ पर जो सोवियत सिस्टम के मेकर्स थे उन्होंने ज्यादा प्राइमेसी इनमें से किस चीज को नहीं दी थी। कौन सी चीज है भाई यहाँ पर, पहली चीज है एबोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दूसरी चीज है सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, तीसरी चीज है नो अपोजिशन पार्टी टू बी अलाउड, और लास्ट है नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। आपको यहाँ पर राइट आंसर पता चल गया होगा। जी हाँ, राइट आंसर यहाँ पर आंसर नंबर डी, नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। जाहिर सी बात है कि जो इकोनॉमी थी सोवियत यूनियन की, वो पूरी तरीके से यहाँ पे कम्युनिस्ट वाली थी, यानी सारी की सारी जो स्टेट है वो ओनरशिप रखेगी हर एक चीज की, मींस ऑफ प्रोडक्शन हो, कलेक्टिव फार्मिंग हो, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो, एक्सेट्रा। तो सारी की सारी यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, स्टेट करेगी। तो जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो लोग कहें कि भाई कोई भी स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी पर नहीं होगा, जबकि उनका रेजिम ही इसी बुनियाद पर चलता है। तो यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग थी, सारी की सारी चीजें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमांड था उनका, वो यहाँ पर हैंडल करता था। इस तरह के भी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर नॉट लगा के आपसे गलती भी हो सकती है, तो इसीलिए क्वेश्चन को केयरफुली जरूर पढ़िएगा, जिसकी प्रैक्टिस यहाँ पर आपसे 2 बार होगी, एक इस वीडियो में और एक नीचे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में। अगर गाइस बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछता है द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन द ईयर, बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पर हम उस सीनेट में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगा थोड़ा। आपसे पूछा गया है कि सोवियत यूनियन ने कब अफगानिस्तान का इन्वेजन किया था, कौन से ईयर में, 1975, 1977, 1979 या 1981। आंसर आपके सामने है, सोच लिया आपने, चलिए आंसर को डिस्प्ले करते हैं। आंसर है गाइस यहाँ पर राइट आपका 1979। तो गाइस यहाँ पर जो सोवियत यूनियन था उसने यहाँ पर अफगानिस्तान को इन्वेड किया था दिसंबर 24, 1979 में, अंडर द प्रिटेक्स ऑफ अपहोल्डिंग द सोवियत अफगान फ्रेंडशिप ट्रीटी। ठीक है, द ट्रीटी वॉज साइन इन 1978 एंड द टू कंट्रीज एग्रीड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस।
तो गाइज यहाँ पर सोवियत यूनियन को यह लगा था कि जो इन्होंने ट्रीटी साइन किए फ्रेंडशिप में उसमें गड़बड़ हो गई, फिर यहाँ पे उन्होंने इसको इन्वेड किया था December 24, 1979 में। सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से यही पढ़ना है, यही चीजें आपसे जो है यहाँ पर ईयर वगैरह हो गया या कब इन जो है यहाँ पर किस वजह से यहाँ पर इन्वेड किया था। तो आपको मैंने बताया सोवियत अफगान फ्रेंडशिप ट्रीटी की जो अपहोल्डिंग थी, ऐसा लग रहा था कि उसका अपहोल्ड कर दिया गया अफगानिस्तान की तरफ से, इसीलिए यहाँ पर रशिया ने इन्वेड किया था। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और ये है आपका पैटर्न नया, क्योंकि इसी टाइप के मिक्स पैटर्न के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपको कहा गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस एस। यानी यहां पर आपको असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं और आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है। कई लोग क्या होता है कि असर्शन और रीजन का नाम सुन के एकदम घबरा से जाते हैं कि यार अब क्या होगा, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको नाम बदल के ये रख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर मुझे ये देखना है कि जो रीजन दे रखा है वो राइट है या रॉन्ग है, दैट्स इट। और आपको ये भी देखना है कि भाई जो असर्शन है यानी जो स्टेटमेंट है वो भी सही है कि नहीं, क्योंकि उससे भी जुड़े हुए यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो वो भी आपको जरूर देखना है। बहुत ही सिंपल चीज है, आपको खाली यहाँ पे क्या करना है भाई, स्टेटमेंट चलिए पढ़ लेते हैं। कहा गया है स्टेटमेंट में कि द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस। ये स्टेटमेंट कह रहा है गाइस, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सोवियत इकोनॉमी थी वो यहाँ पे बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डेवलप थी सिवाय यूएसए के। कहने का मतलब है कि यूएसए के अलावा जो डेवलपमेंट में बात करें तो दूसरे नंबर पर यूएसए के बाद सोवियत इकोनॉमी आ रही थी। ये स्टेटमेंट हो गई, दिमाग में आप स्टोर कर लीजिएगा। अब इसकी बुनियाद पर यानी इससे जुड़े हुए पूछते हैं, क्योंकि ये रीजन है तो हम यहाँ पर बिकॉज लगा के आगे बढ़ते हैं। सोवियत इकोनॉमी दूसरे नंबर पर थी बिकॉज द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या कुछ मतलब रीजन मिल रहा है कि मैंने जैसे स्टेटमेंट बताया कि सोवियत इकोनॉमी दूसरे नंबर पे थी यानी मोर डेवलप थी बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सिवाय यूएस के, क्योंकि सोवियत इकोनॉमी एक ग्रेट पावर बन गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्या मतलब इसका कोई कनेक्शन लग रहा है आपको? मेरे को तो अजीब सा लग रहा है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या दे रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रीजन बिल्कुल भी स्टेटमेंट के साथ नहीं मिल रहा है करेक्टली। ऑप्शन है आपका गाइस यहाँ पर कि दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ये भी ठीक है। बी जो है वो कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। सी कह रहा है कि भाई ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और लास्ट वाला कह रहा है कि भाई ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी ए गलत है और आर सही है। अब आपको यहाँ पे अच्छे से सोच लेना है, अपना ऑप्शन लॉक कर दिया। चलिए देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या दे रखा है। तो गाइज राइट आंसर यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, आपको बताते हैं कैसे। तो गाइज यहाँ पे स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, कहा गया है कि सोवियत इकोनॉमी भाई दूसरे नंबर पे थी सिवाय यूएस के, यानी यूएसए फर्स्ट नंबर पर, सोवियत इकोनॉमी दूसरे नंबर पर। रीजन दे रखा था क्यों, क्योंकि सोवियत यूनियन जो था वो एक ग्रेट पावर बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अरे भाई सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट पावर कैसे बन जाएगा जब यूएसए भी उस टाइम पे मौजूद था, यानी कि जो कोल्ड वॉर हुआ था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद यानी उसके खत्म होने के बाद ही हुआ, तो उस टाइम पे तो कोल्ड वॉर चल रहा था, तो ग्रेट पावर सोवियत यूनियन कैसे बन सकता है, है ना। ग्रेट पावर का मतलब कि खाली वही एक सबसे ज्यादा ग्रेट है। तो अब यहाँ पे ये रीजनिंग तो बिल्कुल भी फिट नहीं होती है, और ऐसा लगता है कि जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है, हालांकि जो असर्शन है यानी जो आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही सही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप खुद यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हमारे आंसर से ये सॉल्यूशन मेल खाता है। सॉल्यूशन कह रहा है द सोवियत यूनियन एस्पिरेशन वर वेरी हाई, ओनली टू नेशन रोज टू सुपर पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चीज कही गई, मैंने आपको बताया रशिया वॉज वन ऑफ देम। रशिया हैज फ्रीक्वेंटली ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स पावर एंड ट्राइड टू डोमिनेट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी कि रशिया ने हमेशा अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने की, अपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने डोमिनेशन बढ़ाने की कोशिश की है। तो सॉल्यूशन से ये पता चलता है कि भाई देखिए रशिया ने कोशिश की, यानी कि वो दूसरे नंबर पे है डेवलपमेंट में एक्सेप्ट यूएसए, स्टेटमेंट है आपकी। स्टेटमेंट के हिसाब से रीजन देखे तो रीजन गलत है, क्योंकि रीजन में यहाँ पे बताया गया है कि दो सुपर पावर थी यानी बाइपोलर वर्ल्ड था, और कोल्ड वॉर उस टाइम पे शुरू हुई थी। तो इसके मुताबिक गाइज यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए बढ़ते हैं गाइज यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा वही है असर्शन रीजनिंग, और यहाँ पे हम नॉर्मली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट गाइज हमारी है द शॉक थेरेपी ब्रॉट सक्सेस विच वॉज नॉट एंटिसिपेटेड एट ऑल। यानी जो शॉक थेरेपी थी
वो एक ऐसी कामयाबी लाई जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, यानी जिसकी किसी को भी भनक भी नहीं थी। रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि ईच ऑफ दीज कंट्रीज वर रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, विच मीन रूटिंग आउट कंप्लीटली एनी स्ट्रक्चर इवॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। यानी हर एक कंट्री को क्या था कि एक टोटल शिफ्ट करना था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जिसका मतलब उन्हें अपने स्ट्रक्चर की जड़ को पूरी तरीके से इवॉल्व करना पड़ा ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई शॉक थेरेपी एक ऐसी कामयाबी लाई जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी। अब आप अंदाजा लग गया होगा कि यह स्टेटमेंट सही है, यानी जो असर्शन है वो सही है भी कि नहीं। रीजन क्या, अगर देखें तो रीजन में बोल रहा है कि भाई शिफ्ट हुआ था, ये हमने बुक में पढ़ा है कि भाई हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर औने पौने दाम पर बहुत सारी चीज़ें रिसोर्सेज बेच दी गई थी, पूरी तरीके से यहाँ पे इकोनॉमी का, इकोनॉमिक सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। तो ये तो बात सही है कि सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ट्रांसफर हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो शॉक थेरेपी थी उसने एक तरीके से कामयाबी लाया, सक्सेस लाया बाकी कंट्रीज के लिए। तो इस हिसाब से गाइज यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। मुझे उम्मीद है अब आपको यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व करने आ गए होंगे गाइज। अब जैसे कि अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हमें देखना है, यानी अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए एक बार हमें एक्सप्लेनेशन भी देखना है कि जो हमारा आंसर है वो एक्सप्लेनेशन के साथ मेल खा रहा है कि नहीं, यानी उससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो एक्सप्लेनेशन गाइज यहाँ पे कह रहा है कि शॉक थेरेपी अफेक्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ रशिया द वैल्यू ऑफ रूबल, क्योंकि रशिया की करेंसी का नाम क्या था, रूबल, रशियन करेंसी। डिक्लाइन एंड इन्फ्लेशन रोज एट अ वेरी हाई रेट एंड इट लॉस ऑल सेविंग ऑफ पीपल। तो क्या मतलब, जब यहाँ पर इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत हाई रेट पे चल रही हो, कंट्री की सेविंग सारी बर्बाद हो गई हो, करेंसी जो पूरा ट्रेड था वो कॉमर्स था वो बिल्कुल नेगेटिवली अफेक्ट हुआ हो, तो ये लगता है आपको ये सक्सेस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस हिसाब से ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, क्योंकि ये चीज जो रीजन में दे रखी है वो बिल्कुल ही सत्य है, सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा गाइज। चलिए बढ़ते हैं हम गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और वो भी यहाँ पर हमारा असर्शन और रीजनिंग का है। बहुत मजे आने वाले हैं यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन में, क्योंकि अब यहाँ पर अगर आपके सामने असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से उसको फोड़ देंगे। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट को। द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टेग्नेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल। जो सोवियत यूनियन थी वो एक तरीके से स्टेग्नेंट हो गई थी, जैसे कि करप्शन की बात की गई थी यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में भी। रीजन क्या दे रखा है, क्यों? क्योंकि जो सोवियत सिस्टम थी ना वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी, यानी पूरा का पूरा उसका सिस्टम जो था वो सोशलिज्म के ऊपर था। वो लग रहा है कि असर्शन और रीजनिंग मैच कर रहा है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जो सोवियत यूनियन था वो एक तरीके से स्टेग्नेंट हो गया, जैसे कि करप्शन में बताया जा रहा है कि स्टेग्नेंट करप्शन हुआ था, इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक और यहाँ पर जो पॉलिटिकल सेंस में, दोनों तरीके से यहाँ पर दोनों सेंस में ये जो है स्टेग्नेंट बन गया था, क्योंकि आइडियोलॉजी को मोक किया जा रहा है कि आइडियोलॉजी जो थी वो सोशलिज्म थी। एक बार आप देख लीजिए क्या ये असर्शन और रीजन ट्रू है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू है, रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि असर्शन ट्रू है, आर इज फॉल्स यानी रीजन इज फॉल्स, या फिर आपको लग रहा है कि असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। आई होप कि आपने सोच लिया है कि कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे आंसर डिस्प्ले कर रहे हैं। आंसर है गाइस यहाँ पर आपका बी, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्यों? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा कि वो यहाँ पर असर्शन पढ़ेंगे कि भाई ये जो है बेकार थी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम बेकार था, कुल मिलाकर ये नॉर्मल भाषा में आपसे कहा जा रहा है स्टेटमेंट में। फ्यू स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मिस्टेक्स ये हो सकती है, वो ये सोचें कि यहाँ पर ये जो रीजन है ये से मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो असर्शन है वो सही है, रीजन गलत है। नहीं, रीजन भी सही है, रीजन भी सही है, हालांकि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट का नहीं, यानी जो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि सोवियत इकोनॉमी काफ़ी बदतर हो गई थी बाद के समय में, मतलब काफ़ी ख़राब सिचुएशन हो गई थी, और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं, हम ये भी इसको फॉल्स नहीं कह सकते कि जो सोवियत सिस्टम था वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे बेस नहीं था। हमें ये मानना पड़ेगा क्योंकि हमने बुक में पढ़ रखा है, हमने वीडियो लेक्चर में देखा है अभी यहाँ पर
अपने ही वीडियो लेक्चर में कि हमने आपको बताया है कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस था, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस था, कोल्ड वॉर एरा से पढ़ते आ रहे हैं तो हम इसको भी मना नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर नंबर बी यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है गाइज, चलिए बढ़ते हैं गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और ये काफी इजी क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है ताकि आपका जो डोज है वो बैलेंस होते जाए। व्हाट डज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मीन, इसी तरीके के आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिए जाएंगे, यानी कुछ कुछ यहाँ पर थोड़े असर्शन रीजनिंग के दे दिए जाएंगे, कुछ यहाँ पर पैटर्न बदल दिया जाएगा, फिर कुछ का यहाँ पर आपको आसान क्वेश्चन दिया जाएगा लेकिन ट्रिक के साथ। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने मेरी वीडियो लेक्चर देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे मेरी जो हम टिप्स भी बता रहे हैं उसको फॉलो करते हुए इस वीडियो में। व्हाट डज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मीन, यानी कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यूएसए का खत्म हो जाना, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाना, क्या इसका मतलब ये है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन और एंड हो जाना, या फिर इसका मतलब है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो जाना, या फिर ये तीनों चीज सही है, इसका राइट ऑप्शन तीनों है ए बी सी, क्या है बताइए, सोच लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या है। आंसर है गाइस यहाँ पर आंसर नंबर बी सिंपल, यानी एंड एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। बाइपोलैरिटी का मतलब हमने आपको समझाया था, इस चैप्टर का नाम ही बाइपोलैरिटी है और चैप्टर में भी हमने समझाया था कि बाइपोलर का मतलब दो सुपर पावर। अब यहाँ पर जब दो सुपर पावर का अंत होगा और एक सुपर पावर बचेगी, भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यूएसएसआर का खत्म होगा, यानी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा और उसका एंड होगा, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन भी आपके टर्म वन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो उसको भी एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा और जरूर कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने की। आपसे कहा गया है कि भाई इसको मैच करो। सबसे पहले गाइस यहाँ पर देख लेते हैं कि मिखाइल गोरबचेव के बारे में, कि जो मिखाइल गोरबचेव थे वो क्या थे, हमने आपको बताया क्या वो सक्सेसर थे यूएसएसआर के, क्या वो मिलिट्री पैक्ट थे, या वो इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स थे, मतलब उन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया था, या फिर वो इन्होंने इकोनॉमिक मॉडल लाया था, या फिर वो रशिया के प्रेसिडेंट थे, बताइए। जी हाँ, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो उन्होंने रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए थे, ये हो गई पहली चीज हमारा एक जो है यहाँ पर आंसर इसका मैच द फॉलोइंग का सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी क्या थी, क्या वो सक्सेसर थी यूएसएसआर की, क्या वो इकोनॉमिक मॉडल था, या वो प्रेसिडेंट थे रशिया के। शॉक थेरेपी कोई प्रेसिडेंट तो हो नहीं सकता, ऐसी बात है इकोनॉमिक मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है, तो यहाँ पर इसका हमारा आंसर होगा सेकंड का डी। रशिया की बात करें तो रशिया क्या था, सक्सेसर था, मिलिट्री पैक्ट था, या प्रेसिडेंट था, भाई रशिया प्रेसिडेंट भी नहीं हो सकता, मिलिट्री पैक्ट भी नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है क्या था, यूएसएसआर का सक्सेसर था। बोरिस येल्सिन का आपने नाम सुना होगा अपनी एनसीईआरटी में, किनारे पे उनका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, वो यहाँ पर गाइस प्रेसिडेंट थे यहाँ पर बोरिस येल्सिन डिसइंटीग्रेशन के बाद। वॉर्सो क्या है, भाई जाहिर सी बात है वही बचा है, कौन सा, मिलिट्री पैक्ट, एक वॉर्सो था और एक नेटो सिएटो सेंटो था, मतलब नेटो सिएटो बाद में उन्होंने यूएसए वगैरह ने साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ भी जो अपना ट्रीटी साइन कर ली थी, तो आपका उधर साइड हो गया नेटो सिएटो सेंटो और इधर हो गया आपका वॉर्सो पैक्ट, और वॉर्सो पैक्ट ने भी कई बार साउथ ईस्ट एशियन में कुछ कई सारे कंट्रीज के साथ पर्सनल ट्रीटी साइन किया था। आंसर हमारा देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं, हमने यहाँ पर गाइस पहले का ई मिलाया, पहले का यहाँ पर गाइस यहाँ पे हमने सी मिलाया, सॉरी यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है, इसका सी है क्योंकि ई दो बार हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ में भी हो जाएगा, फर्स्ट में भी हो जाएगा, तो दैट्स वाई यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। सेकेंड का हमारा डी है, बिल्कुल सही है, ठीक है आप देख सकते हैं। थर्ड का हमारा ए है, फोर्थ का हमारा ई है, फिफ्थ का हमारा बी है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही मैच कर रहा है। यकीन मानिए जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराया उसी तरीके से उतनी ही उससे भी तेज आप लोग आराम से कर लेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको नीचे हमने एमसीक्यू सीरीज दी है, अभी तुरंत फौरन टाइम निकालिए और उसे जाके अटेम्प्ट कीजिए, वहां पर आईडी क्रिएट करिए, एनरोल कीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो हमने एक वीडियो बनाई है, आप चैनल पे विजिट करेंगे तो हमने वहां पर एक वीडियो प्रॉपरली शो भी किया है कि जहां पे हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हुए बताया आपको कि किस तरीके से हमने यहां पर आपको जो है लॉगिन करना है, क्या प्रोसेस करना है, बहुत ईजी प्रोसेस है, जस्ट जाइए वहां पे एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए और टॉप स्टूडेंट में आइए और रिवॉर्ड्स पाइए। इसी के साथ साथ गाइज जैसे मैंने आपको बताया सारी की सारी टिप्स को जरूर अप्लाई कीजिएगा अपने टर्म वन एग्जामिनेशन में, मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आप ये सारी के सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से यहाँ पे 95 प्लस सोशल साइंस में टर्म वन एग्जामिनेशन में ला सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस कि यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन हमें लेटेस्ट वीडियोज नहीं मिल पा रही है, तो लेटेस्ट वीडियोज गाइस तभी मिलेगी जब यहाँ पर आप हमें जो बेल आइकन बना हुआ है यानी घंटा वाला आइकन बना हुआ है
उस पर क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन हमारी लेटेस्ट वीडियोस की मिल पाएंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि यहाँ पर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग का भी यहाँ पे बेनिफिट हो सके और वो लोग भी इस स्टडी मटेरियल से फ़ायदा उठा सकें। अपने डियर और नियर वन के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट MCQ क्वेश्चंस की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।